सुबह हुई, पंडित जी पूजा करने के लिए मंदिर में आए। ओम मंगलम भगवान विष्णु। पंडित जी पूजा कर अब घर जा रहे हैं। मुसलमान भाई अंदर मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ रहे हैं। كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةَ إِلَى رَبِّهَا। बेटी सुबह हो गया, उठ जाओ, नहा धुआ लो, नाश्ता पानी कर लो। ठीक है माँ। सरोजी कुछ न्यूज चल रहा है, कहीं आतंकवादी घुस गए हैं। टीवी देखो ना तुम। आज का ताजा खबर, कश्मीर में पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी हमारे रास्ते में भारत में घुस गए हैं, जिससे हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उन पर बमबारी कर रहे हैं, और भारत के यहाँ पर आर्मी भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और बमबारी भी ये भी हिंदुस्तान से तरफ से पाकिस्तान में की जा रही है, ताकि हमारी जवान सुरक्षित रहें। भारत के साथ जंग लड़ने के लिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस पाकिस्तानी को। इस पाकिस्तानी साले होते ही ऐसे हैं कि काम करते ही भगोड़े की तरह हैं। जानते हो बेटा, आज हमारे भारत में पाकिस्तानी लोग कश्मीर में घुसकर तबाही कर दिए हैं आज जो है भारत में, और हमारे सैनिक भी जवाब दे रहे हैं। हाँ पापा, मैंने भी देखा। मैं सरोजी के घर पे गया था और मैंने इस पूरे वीडियो को देखा, किस तरह से जो है पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। शाम हो गई, चलो बाबू हम लोग समाचार देखते हैं क्या हुआ, आतंकवादी भाग गए। सोने नहीं देता, पर तस्वीर में दिख रहा है ये हमारी मांग मांगे उन्हीं के बड़े दुख की बात है। मांग के बस भी बड़ा मांग कर रहा है, और एक से मांग के सारी दुनिया इनका साथ रेडी ओपन फायर बना लेंगे, तारे दिखा देगा। ऐसी हालत में बेहतर ये है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और इनसे बच के रहें। आज हमारे भारत देश में हमारे भारतीय सैनिक ने पाकिस्तानियों को धूल चटा दिया है। जिस तरह से पाकिस्तानी ने अटैक किया था उस चीज पर उनको जो है धूल चटाकर वापस भेज दिया है। कुछ सालों बाद फिर आतंकवादी भारत में हमला कर दिए।
आधा से ज़्यादा भारत ने पाकिस्तान का कब्जा कर लिया है और कुछ दिनों में यह भार पाकिस्तान पूरे भारत में विलय हो जाएगा। उधारी वो बोझ है जो इंसान को सोने नहीं देता, पर तस्वीर में दिख रहा ये शख्स उधारी मांग मांग के जिंदगी के बड़े लुफ्त उठाता है। उधारी मांगते वक्त ये बड़ा मासूम बन जाता है और एक से मांगते दूसरे की उधारी चुकाना है। उनका हाथ पैर इसे पैसे निकल जाना है, इसे चने चबाने बराबर है और पैसे मांगते मांगते आज पाकिस्तानियों ने हमला किया और हम लोगों ने कुछ दिनों में पाकिस्तानियों को भी अपने अंदर ले लिया और अब पाकिस्तान में भी तिरंगा लहरेगा और कुछ दिनों बाद पूरी अखंड भारत भारत में जुड़ जाएगा। आज बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान अब भारत में मिल गया, अब कोई भी हमला भारत पे नहीं होगा और इससे हम लोग बहुत सुरक्षित भी बचेंगे। और यह केवल मोदी जी की वजह से हुआ, अगर मोदी जी थे तभी हुआ, नहीं तो ये होता ही नहीं, किसी भी नेता में पावर ही नहीं था। वाह मोदी।